हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। अगला क्वेश्चन नंबर 24, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स साइन टू एक्स डी एक्स। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स, इसको लिख देंगे साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये लगा दिए। अब देखिए ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू टू, हम बाहर निकाल लेंगे कॉन्स्टेंट है ये कॉस क्यू और कॉस एक्स, कॉस क्यू और कॉस एक्स, कॉस ये हमारा फोर एक्स हो जाएगा और साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुट कॉस एक्स इक्वल टू जेड पुट करेंगे, अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी जेड पुट करेंगे, अब यहां पर ये पुट करेंगे तो देखिए हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर टू टू इसके जगह पर जेड रखेंगे कॉस के जगह पर तो जेड टू दी पावर फोर इंटू इसके जगह पर माइनस डी जेड। अब देखिए इसके बाद यहां पर लेते हैं, अब हमारा क्या होगा आई इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस बाहर निकाल लेंगे तो माइनस बाहर निकाल लेंगे तो माइनस टू जेड टू दी पावर फोर डी जेड, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस टू जेड टू दी पावर फाइव बाई फाइव प्लस सी। देखिए सी हमारा कांस्टेंट है, सी जोड़ देते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, सी को हम जोड़ते हैं, सी हमारा कांस्टेंट होता है। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव, जेड की जगह पर जेड का वैल्यू रख देंगे तो कॉस कॉस टू दी पावर फाइव एक्स प्लस सी, ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, अब अगला क्वेश्चन है हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू दी पावर नाइन एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस को हम चेंज करेंगे, इसको कॉस टू दी पावर एट एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ये लिख दिए। अब यहां पर आठ एक नौ हो गया, अब देखिए इंटू डी एक्स, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए कॉस एट एक्स को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल टू दी पावर फोर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे लिखने से हमको फायदा क्या हुआ, चार दुना ये आठ हो जाएगा, आठ हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर आई इज इक्वल टू लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का पावर फोर, ये हो जाएगा इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए कॉस एक्स बाई साइन एक्स, साइन एक्स और यहां पर लिखेंगे डी एक्स। पुट देखिए पुट यहां पर पुट करेंगे, अब देखिए अब यहां पर हम पुट करेंगे साइन के जगह पर, साइन के जगह पर हम पुट करेंगे जेड पुट करेंगे, पुट पुट साइन एक्स इक्वल टू जेड, तो ये क्या हो जाएगा साइन का ये कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, ये डी जेड आ गया। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ देखिए वन माइनस जेड टू दी पावर
वन माइनस जेड स्क्वायर ये हो जाएगा का होल पावर फोर बाई जेड हो जाएगा बाई जेड हो जाएगा। अब देखिए जब जेड हो गया तो अब हमारा क्या होगा, ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, डी जेड लिख देंगे, यहां पर डी जेड लिख दिए। अब देखिए ये आई इज इक्वल टू इसको वन बाई फोर टू द पावर, अगला स्टेप में देखिए इसको क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू वन माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर पर पावर फोर बाई, देखिए ये जेड जेड पर पावर, जेड पर पावर देखिए यहां पर क्या होगा, जेड पर पावर देखिए इसको जेड जेड को जेड ही रहने दीजिए, इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, देखिए इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, इसको लिख सकते हैं वन माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वन माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इंटू डी जेड, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, देखिए यहां पर ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड टू दी पावर फोर हो जाएगा इंटू वन माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस जेड टू दी पावर फोर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए जब ये हो गया तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए ये हो गया, इसके बाद इंटू बाई जेड लिख देंगे, जेड लिखने के बाद देखिए यहां पर डी जेड लगा दीजिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन दोनों का होल स्क्वायर, वन माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस जेड टू दी पावर फोर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं सेम चीज है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाई जेड। देखिए यहां पर लिखने के बाद डी जेड, अब ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, देखिए ए प्लस बी माइनस है तो ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू सी ए बाई जेड, यहां पर लिख देंगे डी जेड। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये हो गया वन, ये हो गया हमारा दो दुना, देखिए दो दुना चार, चार जेड टू दी पावर फोर, दो दुना चार ये भी हो गया, ये जेड पर पावर एट हो गया माइनस फोर जेड स्क्वायर हो गया, फोर जेड स्क्वायर हो गया ये भी माइनस, देखिए माइनस माइनस फोर दो दुना चार, चार चार दू छ जेड टू दी पावर सिक्स प्लस टू टू दी टू प्लस टू जेड टू दी पावर ये फोर हो गया, टू जेड टू दी पावर फोर बाई जेड इंटू डी जेड, ये हो गया। देखिए यहां तक हम आ गए, अब यहां पर आने के बाद थोड़ा सा हम आगे और बताते हैं, देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ये डी जेड लिख दिया, देखिए ये हो गया, अब थोड़ा इधर साफ करके इधर लिखते हैं,
यहाँ पर इसके बाद इसको अलग अलग हम करेंगे। I इज इक्वल टू इस स्टेप के बाद अब अलग अलग करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये z जब बाई में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/z, ये पावर एक घट जाएगा तो प्लस 4z टू द पावर z क्यूब हो जाएगा, ये z टू द पावर ये 7 हो जाएगा, ये माइनस 4z हो जाएगा, उसके बाद माइनस 4z टू द पावर 6 हो जाएगा, उसके बाद 2z टू द पावर, यहां पर ये 1/z हुआ, ये 4z³ हो गया, z टू द पावर 7 हो गया, z हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये पावर 5 हो जाएगा, 5 के बाद 2z टू द पावर 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये dz हुआ। अब हमारा हो गया I इज इक्वल टू 1/z log z प्लस z पर पावर 4/4 z टू द पावर 8/8, इसका देखिए इसका 4/4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस 4z² / 2 माइनस 4z टू द पावर 6/6, ये हो जाएगा प्लस 2z टू द पावर 4/4 प्लस c। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब देखिए जेड के जगह पर जेड का वैल्यू रखेंगे, जेड का वैल्यू हमारा लॉग एक्स, जेड के जगह पर साइन एक्स रखेंगे, साइन टू द पावर यहां पर 4x प्लस साइन टू द पावर 8x/8, इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा 2 sin² x माइनस 2/3 sin 6x प्लस sin² x/2 प्लस c, ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट, ये हो गया रिजल्ट। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos² 4 2x dx। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम बहुत आसानी से करेंगे। यहां पर क्या है, यहां पर I इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे cos² 2x² ये लिख सकते हैं, लिख के यहां पर एक चीज और करेंगे, इसके बाद dx I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 से यहां पर इंटू कर दीजिए, यहां पर 2 cos² 2x कर दीजिए का होल स्क्वायर dx। देखिए ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, फिर यही चीज आ जाएगा, ये 2 2 4 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, फिर यही चीज आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे 2 cos² x 1 plus cos 4x हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है 2 cos² x का, 1 plus cos 4x का होता है 2 cos² 2x है तो 4x हो जाएगा का होल स्क्वायर इंटू dx, ये हो गया। देखिए तो ये हमारा हो गया, अब इसको तोड़ दीजिए, I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ a plus b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² + 2ab मतलब 4x ही हो जाएगा, और यहां पर हमारा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा +cos² 4x इंटू dx। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको यहां पर फिर एक काम करेंगे, यहां पर इसको अलग अलग कर दीजिए, I इज इक्वल टू 1/4 dx
ये देखिए ये टू बाहर निकाल लीजिए, टू बाई फोर कॉस फोर एक्स प्लस वन बाई फोर कॉस स्क्वायर फोर एक्स डी एक्स। देखिए सबको पहले हम अलग अलग कर दिए, अलग अलग करने के बाद देखिए अलग अलग करने के बाद यहां पर थोड़ा सा एडजस्ट करें, थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट कर लें। देखिए यहां पर सबको अलग अलग कर लिए, अलग अलग करने के बाद यहां पर थोड़ा साइड में अब आइए यहां पर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर I इज इक्वल टू वन बाई फोर डीएक्स का x हो जाएगा, x हो गया, जो सॉल्व होते जा रहा है उसको सॉल्व करते जाइए। टू कॉस का साइन होता है तो प्लस वन बाई टू, अब कॉस का क्या होता है कॉस फोर एक्स है तो ये साइन फोर एक्स बाई फोर हो जाएगा, x का कोफिशियंट से डिवाइड हो जाता है, प्लस ये नहीं हो पाएगा तो इसको देखिए अब क्या करेंगे, टू से डिवाइड कर दीजिए तो ये चार दूना आठ कर देंगे और दो से अंदर इंटू कर देंगे, चार दूना आठ यहां पर कर देंगे, दो से यहां पर इंटू कर देंगे, टू कॉस स्क्वायर फोर एक्स ये डीएक्स ये हो गया। देखिए उसके बाद हमारा क्या हुआ, आई इज इक्वल टू एक्स बाई फोर प्लस चार दूना आठ साइन फोर एक्स बाई एट प्लस वन बाई एट, देखिए इसको लिख देंगे वन प्लस कॉस एट एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया तो वन प्लस कॉस एट एक्स चार का दुगुना आठ इंटू डी एक्स ये हो गया। अब ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स बाई फोर साइन फोर एक्स बाई एट प्लस, यहां पर देखिए एक्स वन का एक्स हो जाएगा, वन बाई एट भी है, वन बाई एट बाहर है, वन का हमारा क्या हो जाएगा वन का एक्स हो जाएगा, अब कॉस का हो जाएगा हमारा साइन एट एक्स, एक्स का कोफिशियंट एट है तो एट से डिवाइड हो जाएगा प्लस सी लिख देंगे। अब देखिए हम सबको इंटू कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, एक्स एक्स प्लस फोर, अब देखिए एक्स बाई एट यहां से यहां पर आ जाएगा एक्स बाई एट, इन दोनों को एक साथ कर दिए एक्स बाई एट कर दिए, एक्स प्लस फोर ये और यहां से x बाई एट लेके एक साथ प्लस साइन फोर एक्स बाई एट, यहां पर हो जाएगा आठ अठाई चौसठ साइन एट एक्स बाई एट प्लस सी। अब देखिए यहां पर हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू यहां पर एलसीएम आठ ले लेंगे तो ये चार दूना आठ दो एक्स एक एक्स तीन एक्स हो जाएगा, पूरा टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन फोर एक्स बाई एट, ये देखिए आठ अठाई चौसठ होना चाहिए, यहां पर चौसठ लिखना होगा चौसठ प्लस साइन एट एक्स बाई चौसठ प्लस सी, ये हमारा रिजल्ट हो गया। देखिए ये हमारा रिजल्ट हो गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। देखिए ये होल स्क्वायर है, ये डीएक्स थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये होल स्क्वायर है। अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, ये वन प्लस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर है, यहां वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर वन ही होता है हमारा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया हमारा वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस एक्स से वन प्लस कॉस एक्स खत्म हो गया, ये हमारा हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन प्लस कॉस एक्स को टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, टू से टू कट गया, हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई कॉस, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन इंटू डी एक्स, क्योंकि टेन का टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में, सेक स्क्वायर एक्स का होता है। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, एक्स बाई टू और एक्स का कोफिशियंट से डिवाइड कर देंगे वन बाई टू से। अब देखिए यहां पर ये हो गया माइनस, ये वन का एक्स हो गया प्लस सी, देखिए तो यहां पर हो गया आई इज इक्वल टू टू ऊपर चला जाएगा टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ये रिजल्ट हो गया। देखिए ये रिजल्ट हो गया, देखिए यहां पर ये क्लियर हुआ। देखिए यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा काम तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।